हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज का व्लॉग रात के व्लॉग से अगले दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि रात का व्लॉग में कुछ देख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा दिन का बना लेते हैं। दिन में आज क्योंकि मैं फ्री था, और आज मेरे पास दो टास्क है। एक तो सबसे पहले मुझे प्रेमनगर जाके अपना पर्सनल काम है, और दूसरा है मम्मी के फोन में नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन नेट नहीं चल रहा है। उनका सिम मेरे फोन में सपोर्ट कर रहा है लेकिन उन्हीं के फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे भाई ने इतने ऊपर से गिरा दिया उसे, पहली मंजिल से पूरा ऐसे गिरा पट करके, तब से स्क्रीन गार्ड के चितड़े हो गए। और दिखाई देता हूँ, ये देखो हाल, देखो दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे छेद हो रखा है इसके। तो अभी इसको सर्विस सेंटर लेके जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नहीं है तो यही ब्लॉग बना देते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग भाई बहुत मुश्किल हो रही, क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। तो आज मौका मिला है आपको दिखाने का, तो चलते हैं आपको आगे सफर में लेके। उससे पहले मैं अपनी कैप ले लेता हूँ, क्योंकि कैप के बिना तो आपका आयुष अधूरा है। तो बस अभी तैयार हुए और प्लान में थोड़ा चेंज है, प्रेमनगर की जगह हम पहले बाजार जा रहे हैं फोन ठीक कराने, क्योंकि प्रेमनगर में हो रही होगी भीड़। और पापा से लिया हेलमेट, हेलमेट। चलो अब मिलते हैं आपको रास्ते में। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है। आपकी कल की भी तो 2 बजे की है ना, ठीक है। चलो पहले बाजार ही जा रहे हैं, प्रेमनगर कल भी जा सकते हैं। चलो भाई टोपी पहन लिया और हेलमेट, अबे यार शीशे ही नहीं है। चलो मम्मी बाय, मिलते हैं आगे, ठीक है, बाय बाय। अभी विनय भाई के घर जा रहे हैं, क्योंकि उस हेलमेट में तो मुझे आ रही थी शर्म। शर्म तो क्या, मतलब अजीब सा लग रहा था। तो अब मैंने विनय भाई से हेलमेट लिया है, मतलब लूंगा अभी, अभी उसी के घर जा रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे को। विनय, अरे बाहर आ जा तू। मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैंने इंट्रो कुछ ज्यादा ही तेजी में दे दिया है। आ गया विनय, विनय काफी टाइम बाद। विनय भाई, ओ तेनु ये कब लिया, ये थोड़ी था तेरा, यही तो था भाई, तगड़ा भाई, ये थोड़ी था। अबे वो वाला कहाँ है, छोटा वाला, वो तो भाई ले जा रहा था। अब ये पहन के ये थोड़ी चलाऊंगा मैं, तो क्या हो गया शिट भाई, व्लॉग बना रहा क्या? हाँ देखने का, तुम हाय तो बोल दे, बहुत टाइम बहुत टाइम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये मेरा नया हेलमेट मैं से गिफ्ट कर रहा हूँ। पहले देख तो लो गाड़ी कौन सी है। ये देखो गाइस, ये तो मेरी गाड़ी गिफ्ट कर दिया है, मैच दी दी ओजी हेलमेट ऑफ ऑल टाइम। हाँ ओजी तो ये है, ये वाला बुलेट का। ये वाला मेरे को दे, ये मैं पहनूंगा भाई, द ओजी, दी ओजी हेलमेट, फर्स्ट लेवल का हेलमेट नहीं होता। फर्स्ट लेवल वाला और ये थर्ड लेवल वाला, सही में लग रहा है भाई। हाँ तो उसका सीजा निकाल रखा ना वो, देख फर्स्ट लेवल का, लेवल का लग रहा भाई सही में। चलो यार अब आगे, ऐसा हेलमेट दे दिया मेस्ट्रो में, बताओ अरे भगवान। चलो चलते हैं आगे का सफर पकड़ने। अब तो अभी के टाइम पे आपको सारी चीजें यहाँ पे साफ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। तो ये देखो सब कुछ साफ कर रखा है इन्होंने, सब कुछ, मतलब इनफैक्ट पेड़ों में पानी डाला जा रहा है भाई, पत्तों में धूल ना दिख जाए। अभी आप आओगे ना तो सब कुछ साफ ही दिखेगा, सब कुछ। और वहाँ IMA की तो वीडियो बना ही नहीं सकते भाई, वहाँ तो बंद कर रखा, वहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग आ रखे हैं कि रास्ता ही बंद कर रखा है। ये देखो कितनी दूर तक चौड़ी कर दी रोड, कितनी दूर तक भयंकर, सिर्फ एक दिन के लिए मोदी जी आ रहे हैं 7 तारीख को, तो इन्होंने अभी रोड साफ कर दी है। देखो हर बोर्ड लग गया भाई, हर बोर्ड, और जैसे वो जाएंगे खत्म, उसके बाद खत्म सब कुछ। आपको IMA की रोड में भयंकर आर्मी वाले भी दिखेंगे, पुलिस वाले भी दिखेंगे भाई, वरना और दिन तो भूल ही जाओ। ये भाई देश की सच्चाई, एक दिन के लिए देश की क्या, ये हर किसी की सच्चाई है भाई, एक दिन के लिए सब प्यार मोहब्बत सब दिखा देते हैं, सफाई सफाई सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ दिखा देंगे। अगले दिन पता चलता है वो तो कि आदमी कितना पानी में है कितना नहीं। अभी देख लो सारे पेड़ हरे दिख रहे होंगे, क्योंकि इनमें पानी डाला भाई पानी। चलो कोई नहीं, अच्छा है एक दिन के लिए ही सही, कम से कम पेड़ पौधों में पानी तो डला, रोड साफ हुई, कबाड़ा उठा था एटलीस्ट। चलो हम तो अपना फोन ठीक कराने जा रहे हैं, लेट होनी नहीं चाहिए वरना मम्मी ने मारना है।
भाई मैं तो कह रहा हूँ आप 7 तारीख तक ना देहरादून आओ। मैं सही बता रहा, 7 तारीख तक आपको देहरादून से सिस्टमेटिक और साफ सिटी कहीं नहीं मिलेगी भाई, कहीं भी नहीं। मतलब मेरी तो यही गुजारिश है मोदी जी से या फिर ऊपर जो मेंबर्स हैं उनसे कि आप महीने में एक बार तो आते रहिए। इतना कूड़ा जमा हो रखा है, ये एक दिन में साफ होने वाला तो है नहीं, तो आप लोग महीने में एक बार आते रहेंगे तो साफ होता रहेगा। वो नहीं है COP28 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप एक एक बार चक्कर मारते रहेंगे तो। अभी मेरी आवाज़ दब इसलिए रही होगी क्योंकि हेलमेट बहुत टाइट है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट। तो मेरी तो यही गुजारिश है मोदी जी से कि आप आते रहिए और तब सिटी साफ होती रहेगी। अभी तो गलियों से जा रहा हूँ क्योंकि ना इतनी साफ सफाई चल रही कि भीड़ लगी हुई भाई मेन रोड में, इसलिए गलियों से जाना पड़ रहा है। आई होप मेरी बात आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, मेरे कान में ही गूंज रही है मेरी आवाज। तो अभी जस्ट सैमसंग के सर्विस स्टोर पहुंचा हूं, और अगर किसी को नहीं पता कहाँ है तो देखो ये पीछे राजपुर रोड है, उसके सामने मतलब वीवा फिटनेस होगा यहाँ पे, मतलब मेन रोड पे ना वीवा फिटनेस है। तो अगर आप उसमें घुसोगे तो सामने ना मॉरिसन मेमोरियल चर्च भी है, अगर आप गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा। बस मेरे पीछे ये देखो सर्विस सेंटर, ये लिखा हुआ भी है सैमसंग कस्टमर सर्विस सेंटर। तो अभी पहुँचा हूँ, अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन आजकल बिक ही रहे हैं तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा, कम पैसों में भी कर देते हैं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और कराते अपना फ़ोन ठीक। चलो vote nahi denge then you can't be complaining, they say the games are failing cause it was really raining, yeah right, ye rashtrapati gandagi phailate hain, sharam ke mare hamare sar jhukate hain, pure saal rulate hain aur agli baar chunav mein wapas aate hain, hum piche reh jate hain kya is baar mein nahi dam, kyunki ek mahine baad sab kuch bhool jayenge hum, they say be positive।